भाई मैं एप्पल वॉच पे ट्रस्ट ना करूँ क्या? अरे एप्पल तू बेवकूफ है के? दूध वूध थे वो मर गए थे। तो भाई देख लो शाहरुख खान को देख लो, कटरीना कैफ को देख लो। तो भाई गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करनी है? द ड्रोन शॉट। तो भाई भाइयों को राम राम सभी को। और यह हम आए हैं, मतलब आज जयपुर आए हैं। पिछले व्लॉग आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो। अब भाई हम लोग सबने कहा सबसे पहले तुम्हें प्रॉपर्टी शूट करा देते हैं, प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, उसके बाद चेंज वेंज करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे। तो भाई ये रहने का मुद्दा है, वो हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। यहाँ से दिखाऊँ तुम्हें जूम करके, इतना तो मैं घूमने जाऊँगा भी नहीं। वहाँ तक वो ये शादी वाला और मतलब जो भी है झोपड़ा सा, ठीक है भाई। इससे तो हम ये पूरा लॉन दिखाएंगे, पूल लास्ट में दिखाएंगे। पूल पहले दिखा दे फिर मजा ही क्या है। मिनट ये दिखा दे, पहले बाहर से दिखा ले ना। हाँ पूल नहीं दिखाऊंगा मैं अभी, यहाँ से पूल तो नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना? ओए पूल दिख रहा है से। ये देखो सिस्टम, देख लो सिस्टम। पूल नहीं दिखाऊंगा अभी, ये एक एंट्री है, ठीक है। ये ऊपर सीढ़ियां जा रही है, वो ये सीधा छत जा रही है। इससे ऊपर भी पूल है भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ इसके ऊपर भी पूल है, पता है इसके ऊपर टेरेस होगा ना। चलो भाई पूल नहीं दिखाएं, पूल लास्ट में दिखाएंगे। ये देखो भाई ब्यूटीफुल। आओ नमन भाई, अभी इसके बाद अंदर का दिखाएंगे। ये हमारे टेम्पो ट्रैवलर का पता नहीं, ओ भाई कितनी प्यारी चिड़िया है। हमारी दिल्ली में तो मुश्किल ही दिखती है चिड़िया, शाम को दिखती है यहाँ पर। ये झूला अफसोस है वो नहीं झूल पाएगी। स्टंट भाई तुम गिर मत जाना, तुम बचपन में भी गिरे थे। चलो ये भी देख लो भाई तुम। नमन भाई सीधा ही खड़ा हो गया। ओ भाई 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 सिर बचा के भाई तू। भाई बिल्कुल थोड़ा भाई बच रहा है। नमन उतर जा। तो भाई इतने नमन भाई को ये करने दो, वहाँ पे भी कुछ वॉशरूम है, मेरे ख्याल सर्वेंट वॉशरूम ना हो। तो भाई ये मेन एंट्रेंस, हमने बैक एंट्रेंस चालू करी। पूल वहाँ नहीं दिखेगा जब तक हम नहीं दिखाएंगे। आओ भाई अंदर दिखा देते हैं, अब सीधा अंदर मिलते हैं। रिश्तों की घर में चश्मा कौन लगाता है? गाइस शो कर दूं भाई, ये एक बेडरूम है, वॉशरूम है। हाँ, ठीक है। तो भाई ये किचन है, पता नहीं क्यों लॉक्ड है, देख लो अभी दिखाते हैं। पानी भी नहीं है, पानी यूज मत करना है भाई। ये देखो ये सिस्टम, नमन जी भाई सिस्टम, ठीक है भाई लॉक्ड है भाई, कार्तिक भाई ताला तोड़ोगे तो भाई आओ फटाफट वीडियो चल जाए, स्टेबिलिटी भी चेक हो जाएगी। बहुत बढ़िया काउच, ये बालकनी छोटी सी, ये हम पिछले व्लॉग के कपड़ों में क्योंकि जस्ट अभी चालू कर दिया। ऊपर का कुछ व्यू, और यहाँ व्लॉग गंदा हो गया। ये एक दूसरा बेडरूम, एक और अटैच वॉशरूम, इसमें कोई होगा शायद, नहीं है, ठीक है। एक मिनट में तुम्हें और भी दिखा देते हैं। सबका लगेज हो गया जहाँ है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट ला सोच। तो भाई यही एंड करते हैं, अब आपको आगे की मस्ती दिखाते हैं और पूल दिखाना बाकी है। तो भाई मम्मी अभी पूल के थोड़े बहुत सीन डालेंगे और देख लो पूल भाई, पूल बहुत सिस्टम भाई, पूल दिखा दे और भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। भाई टेढ़ा बनाना था, टेढ़ा हॉरिजॉन्टल। अच्छा दोबारा बना ले यार, कोई बात नहीं। तो ये बताना होता है, फेमस नहीं हूँ भाई। आ नहीं रहा यार, आ गया यार, हनी बनी की याद आ गई मेरे को।
हनी बनी ओए ओए हॉप करके कहाँ जा रहे हो आई हनी बनी ओ छोड़ ओ भाग गया भाग गया भाग गया उठा ले दोनों को इकट्ठे बहुत स्टेबल फोटो आएगी चलो तो गाइस अब हम आपने देख लिया होगा इससे पहले हम स्विमिंग पूल वगैरह नहा धो चुके उसके बाद रेडी वेडी हो चुके बाथ वाथ ले ली और अपना फुल फन हो चुका है अब हम जा रहे हैं टाइम हो गया 5:30 हो गए हैं टाइम और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने देखते हैं क्या खाने जा रहे हैं मोस्टली आज स्ट्रीट फूड का व्लॉग होगा ये और एक दो फोर्ट का बाकी कल हमारी वापसी है कल हमें फोर्ट्स के व्लॉग बनाने हैं मतलब व्लॉग्स के बनाने हैं आप लोगों को दिखाना है मैंने तो भाई फटाफट बैठते हैं वो रहा हमारा टाइम पूछ रहा है आप लोग चलो जी मौज बार ये लड़कियों की यहाँ फोटोज नहीं ख़त्म हो रही और मैंने एक फ़ोटो नहीं खिंचवाई अभी तक हमारा बच्चा दोनों का बच्चा इसको नहीं दिखाऊंगा मैं दिखाऊँगा बत्ता भी तो भाई अभी चलते हैं फटाफट रास्ते में दिखाते हैं ओह कम ऑन देख रहे हो गाइस लड़कियों को हाथ देता हूँ मैं अबे तो अकेली आ रही है किससे बातें कर रही है पागल अच्छा ये ढीली टीम है बेकार टीम है चलो चलो भाई बैठे अंदर आ रहे होंगे अंकल आ जाएंगे वॉशिंग वॉशिंग गए होंगे तो भाई 5:30 के 6 होने वाले हैं और ये लोग अभी तक नहीं निकले हैं क्या पानी की बॉटल भाई 1000 रुपए फाइनेंस लग चुका है हमारा इसको देखो आम मिला ओए भाई पेट में कुछ हुआ तुम्हारे नहीं मेरे तो हुआ ये देखो इसको आम मिला है छोटा सा तो भाई नवन भाई भी हम कहाँ जा रहे हैं हम अभी जा रहे हैं रामबाग पैलेस और मार्केट इधर और मार्केट हम करेंगे झुमके की शॉपिंग मैंने तेरे को मैसेज डाल दिया था ना देखिए एक बार किसी मैसेज अरे जैसे उसने जगह बोली थी यार देखिए बारिश आ रही है कर दे भाई अरे मतलब भेज तो दिया था ना हां आप हिलबर्ट चौक नहीं जा रहे उनको बोल दिया कि लास्ट में कुछ खाना है तो अभी हम रामबाग पहले जाएंगे रास्ते मार्केट चलती रहेगी हमारी और फिर मैंने उनको बोल दिया डिनर करवा देना और रावल कचौरी वापसी में ले लेंगे और हमें वापसी में कुछ स्नैक्स स्नैक्स ले लेंगे रात को स्नैक्स चाहिए तो भाई देखो सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं आई होप व्लॉग की क्वालिटी बढ़ गई होगी थोड़ी सी अगली बार से ट्रिप कम लोगों की होने वाली है गाइस ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है हाँ डाल भाई मैं कह रहा हूँ प्याज कचौड़ी अभी अभी बताओ अभी ना ये कैमरा ऑफ करके हम गालियाँ बकेंगे क्योंकि किसी को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई वैसे नमन हम लोग कल रात से नहीं सोए मैं बस अभी अभी सोया हूँ कुछ 1-1.5 घंटा हैं कल रात से नहीं सोया हम और भाई हम फुल पावर घूम रहे हैं तब से तू भी नहीं सोई ना तू भी क्या बिल्कुल नहीं सोई सारे काम कर रहे हैं हम और लोग बर्बाद कर रहे हैं काम लोग काम बर्बाद कर रहे हैं दिखा दूं क्या कौन बर्बाद कर रहा है दिखा दूं क्या अरे दिखा दूं क्या अरे दिखा दूं अरे आप ना कमेंट सेक्शन में गेस करोगे कौन बर्बाद कर रहा है कौन हो सकता है हर बार कौन बर्बाद करता है जो हर बार करता है ना वही कर रहा है अरे कहाँ है अरे पीछे से देख रही है और ना इस बार तो पार्टनर है ओए भाई वो देख पीछे वाटर पार्क अरे भाई देख भी रहा है भाई स्लाइड है वाटर पार्क में हाँ बंद करो कैमरा ऐसे देखना भाई ऐसे कह दिया भाई ये देखना किसी और को कैमरा अरे भाई आप इसके लिए ब्लॉग के लिए जो जोक मार देती हूँ वहाँ पे क्या हुआ था
कि ना मतलब कोई जहाँ पे भूत भूत थे वो मर गए थे, भूत ही मार दिया भाई इसने। तो क्या हुआ जल्दी बता, सुबह पर रिवील करनी। अच्छा दे भाई, दे भाई, सो ब्यूटीफुल हटियो जॉब है भला है। आइसक्रीम खाने के बोल रहा था, कौन बोल रहा था? आप बोल रहे हैं आइसक्रीम खाने? हाँ तो यार ले लो, ले 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 ले। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो हम रामबाग पहले जा रहे हैं और हम बहुत देर से जा ही रहे हैं और हम जा जा के थक गए हैं। यहाँ पे हमारे कुछ साथी सो भी गए हैं, निपुण भाई सो गए हैं, तो उनके भी यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ रहा है ये व्लॉग। तो यहाँ पे सब बड़े ज्यादा ही थके हुए हैं, ये देखो जबरदस्ती कैमरा लेते हुए, और आप ये देखो इनको गर्ल्स हमारी और बॉयज हैं, इसको देखो क्या करो तिल्ली का इकट्ठा करता है ना मुंह में, दे रही है मेरे कितनी गंदी है ये, देखो मेरे मुंह में तिल्ली दी है जाने की कोशिश। रामबाग पहुंचने वाले हैं, 2.2 किलोमीटर रह गया पर बहुत सारा ट्रैफिक है जयपुर में, वहां पे पहुंच के बताते हैं आपको। बाय। पहुंचने वाले हैं एकदम सामने ही है उसके, तो वहाँ पे वो नमन जी को और नमन जी एंड गैंग को एंट्री देगा। निपुण भाई थोड़े से टायर्ड हैं, वो हमें रामबाग पैलेस पे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। पैसे लगते अंदर जाने के। भेलपुरी सेंटर, ये देखो ये लड़की भेलपुरी देख के पावली हो गई है, ये लड़की भेलपुरी देख के बावली हो गई है, इसे इसे ये लाइटिंग नहीं पसंद आई, ये पैलेस सा नहीं पसंद आया, पर इसे बाहर भेलपुरी वाला बहुत ज्यादा पसंद आया है। बाहर भेलपुरी सेंटर देख के पागल हो गई है। गाइस ऐसे रीच गए भाई, कब पहुंचे कहां पहुंचे मुझे बता दो मुझे। भाई हमारे निपुण भाई है, ये आधा रास्ता सोते आए हैं क्योंकि कल पूरी रात नहीं सोए थे, बहुत ज्यादा टायर्ड थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। भाई अब पूरे ग्रुप को एक साथ रखना जिम्मेदारी का काम है ना, निपुण भाई लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहे थे, ज्यादा ही लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई जा रही है गाइस ग्रुप में। चलो भाई बस हम मैं और निपुण भाई जितने बालकों को संभाल लेते हैं, थोड़ा भटक जाते हैं फिर दूसरे रास्ते में, इनका ध्यान रखना पड़ता है। मेरी मॉम घर पर है, तुम्हारी मॉम ये रही, इसको तो सबसे ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है, सबसे ज्यादा भटकती है। लाओ देखो ये देखो ये छोटी बच्ची है हमारे ग्रुप की। अब हम आ गए हैं महल में, यहाँ पे एक रानी रहती थी, हम ये नहीं सुनाएंगे, ये गलत खबर बता रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता इस रामबाग पैलेस के बारे में, इनको खुद को कुछ नहीं पता है। कैन आई स्पीक? ये बहुत सुंदर है, रामबाग पैलेस की बहुत ज्यादा बात होती है, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, बाकी अब हमें भी इतना ही पता है तो हम इतना ही बता पा रहे हैं। हेरिटेज प्रॉपर्टी के बारे में ही पता होता है, जहाँ इन्हें रहना सहना खाना पीना है उसने वही पता होता है। अब यहाँ पे तो मुझे पता है, ये देखो यहाँ से कितना तगड़ा लग रहा है, कोई तगड़ा नहीं, अच्छा खासा दिख रही। अब हम बाकी अंदर जाके आपको दिखाएंगे, ये और ये भी दिखाओगे ऐसे भागेंगे। ये देखो मैंने आपसे अभी कहा था हमारे ग्रुप की इकलौती बच्ची है ये, देखो इन चीजों में इसको फन आ रहा है। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, तुम्हारी हो चुकी आठ बजे गुड मॉर्निंग भाई, टिकट नहीं लेनी भाई। ये ना यार रेट लिस्ट है जहाँ हम आए हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता क्योंकि मैं सो रहा था, नंबर 9 ने बहुत तगड़ी व्लॉगिंग करे हमारे पीछे से, तो हम सबकी 20 रुपये की टिकट लगी है क्योंकि हम सारे क्योंकि हम सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है तो भाई ये जगह है रामबाग पैलेस है, नहीं भैया गाइड नहीं चाहिए हमें, हम खुद गाइड हैं।
ठीक है भाई, देख लो कलयुग के कृष्ण जी। चलो अंदर चलो, आज एक तोप चलाऊंगा मैं अंदर और ये हरी वाली लाइट पोड़ूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई। और मैं भाला बैठ के मारूंगा ऊपर। भाई मैंने पता है एक स्नैप नहीं बनाई व्लॉग के चक्कर में कहीं से कहीं की भी। अरे कोई नहीं, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी तो दे रहे हैं तो। हाँ भाई, मेरे को लगता है नमन भाई यहाँ ना जब पानी चलता होगा यहाँ महारानी नाचती होगी। महारानी नहीं नाचती है पहली बात तो। अरे मैंने शौक में यार मूवी वूवी नहीं देखा क्या तुमने? महारानी डांसर नहीं होती है तो। अच्छा सॉरी भाई, एक्चुअली क्या है ना भाई, ये जो रेड लाइट चल रही है व्यू ये दिखाऊंगा बाद में। या नमन और मेरे को देख के सारे आ गए, देखो भाई एक एक बंदा यहीं से वो लेना। हमारा फेम है जी थोड़ा सा, ये लड़की सब जगह कॉपी करती है हमें। चलो भाई थंबनेल ले लेंगे, थंबनेल भी ले लिया जी। चलो आओ भाई, मेरे को ऐसे फोटो की चाहिए इसमें नमन भाई, एक बार पकड़ो मैं बता दूं कैसे। ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। मैं यहाँ पे लेकिन मुझे घुटनों पे बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ बैठोगे इस जगह पे? यहाँ से चालू है महाराजा स्वयं जैसे। ओके श्रेष्ठ, इनकी फोटो ही खत्म होती है गाइस। आप यहाँ पे रोक के पढ़ सकते हो, ये पढ़ लेना जूम करके, आई होप ये होगा। चले भाई थोड़ा सा आगे, और भी चले आगे हटो। गाइस हम एल्बर्ट हॉल के बाहर आ चुके हैं। फिर यहाँ पे ऐसी तरह तो मेरे घर में भी है, दिखाइए। बताओ रानी, राजा रानी भी ऐसी तरह बैठते थे, हम भी ऐसी तरह बैठते हैं। मतलब इसका मतलब हम भी राजा रानी हैं। भाई मैं कह रहा हूँ तो कुश्ती वाला बैठ नहीं लग रहा। यहाँ पे दंगल हुआ करता था गाइस, दंगल। वो यहाँ पे हिस्ट्री लिखी, ये चीजें सेक्सी हुआ करती थी उस टाइम की। ये इससे ऊपर खिड़कियाँ ना, तुम तो गिर जाते इससे। अरे बोलो। अरे ये तो मेरे घर में पानी पीता हूँ मैं इससे। देखो मैं सोच रहा हूँ ये वाली उखाड़ के ले जाऊँ। नमन भाई ऐसा तो असासिन क्रीड में नहीं होता। हाँ ऐसे में तो तोड़ के ना मिट्टी निकलती है फिर पीस निकलते हैं। हाँ भाई ये तलवार ऐसे बताओ, ये तलवारों में दम था, ये भारी वाली तलवारें होंगी पक्का भाई, बहुत भारी होंगी। उस पे कुछ लिखा भी है 326, पता नहीं क्या वो कोड होगा। पर एक बात बताओ भाई, ये कहाँ से आ गए जैपनीज आर्ट असैसिन? अरे ऐसा नहीं, नहीं ये तो निंजा है। आओ ओए, देखो पहले भी शगुन हुआ करती थी पर उसके दांत बड़े थे। भाई ये ना जैसे एशियंट वेशियंट है तो लोगों ने तोड़ ताड़ दी, तोड़ने मूर्तियां। गाइस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, एकदम इंटरेस्ट जिसमें हम सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। बाय, ये देखो भाई पहले ये पढ़ो उसके बाद दिखा दे, पॉज करके पढ़ लेना। देखो मैं ये तलवार चलाना चाहता हूं पर नमन भाई हमारे पास औकात नहीं है इतने, ये मुझे देंगे नहीं। नहीं मैं सीधा कह रहा हूं हमारे पास भी नहीं, ये सारी तलवारें पक्का बहुत भारी होती थी भाई। महाराणा प्रताप जी की तलवार बहुत भारी थी। और ये देखो भाई ये तलवार तो देख भाई, भाई ये देखिए बाहुबली जैसी। ऐसे थे ना इनकी कोई तोड़ नहीं थी भाई सही में। भाई डैगर देख भाई, ये कौन बहुत भारी होगा, मजाक मजाक में बहुत भारी होगा।
और नमन भाई हमें तो क्या ही जान होगी जो भाई ये वाली वो है ग्रेनेड लॉन्चर नमन भाई और ये गनों को भाई क्या ही मजा आ जाएगा एक मिनट भाई और भी हटियो मैच लॉक 17th सेंचुरी राजस्थान भाई नमन भाई भाई कितनी लंबी है भाई ये इसका दिखाओ एक सिनेमैटिक ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे टर्की का हो भाई ये भी था असासिन क्रीड में पतली पत्तल मार रही है देख भाई इसका क्या करते होंगे ये जो बनाना असासिन क्रीड से रिलेट कर रहा है स्टील कार्विंग वर्क भाई ये लग रही है खतरनाक तो देखो वो कोई जानवर है स्नेल टाइप आओ चलो भाई ये देख ये है मेन चीज तो भाई ये देखो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता होगा मतलब सेना के हिसाब से ये राजा पहनता होगा ये आई थिंक सेनापति और ये मतलब उसकी जो क्या पोस्ट यहाँ देख लेते हैं ना राजा मानसिंह फर्स्ट हेलमेट सेकंड नंबर कौन सा भाई इसमें सेकंड नंबर तो नहीं रखे दोस्त भाई यही मान लेता हूँ मैं तो ये वाले जा रहा है हेलमेट रानी हेलमेट पंजाबी हेलमेट पंजाबी हेलमेट होगा ये सींग वाला और ये तो मैंने देखा है मतलब मूवी में पहनते हैं जोधा अकबर यार जोधा अकबर क्या ही सच्चाई है भाई ये डैगर जो हमारे राजपूतों ने इन्वेंट करे थे पता है हाँ और ये इतने स्ट्रॉन्ग थे मतलब ये इजी टू कैरी थे बहुत कुछ लोग चार सीढ़ियां चढ़ के हायर अब्बा कर देते हैं पर हमें तो हिस्ट्री जाननी है तो हम आगे तक जाएंगे इसको देख ले मर रही है व्लॉग बनाने के लिए खेत दिखा दे एक बार देखो देखो यहाँ पे मदीरे से लेके चाय तक सबके लिए बर्तन है अलग भाई आई होप आपको ये जो हमने पैलेस दिखाया छोटा सा अच्छा लगा हो और अब हम जा रहे हैं आगे यहाँ पे पपेट शो होना था पर हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि हम देख पाए इसलिए हमें स्किप करना पड़ रहा है अच्छा ही होता होगा हाँ मतलब बुराई तो क्या ही करनी किसी भी बिना देखे देख के हम बुराई जरूर करते देख के जैसे सुबह वाले उसके कौन था वो हाईवे किंग हाँ ओ भाई उस पर हम रुके हाईवे था हाँ भाई बिना क्रिटिसाइज करे हमारी रोटी थोड़ी नीचे होती है सही बात भाई भाई और भी चीटर है भाग जा नमन अरे एक सेकंड मैं रुकूं भाई हेलो ये तो फाइनली ऑन नहीं हुआ था ना एग्जिट पॉइंट कौन सा है ओ एग्जिट कह रहा हूँ लास्ट पॉइंट कौन सा जीतने का फिनिश लाइन क्या होती है भाई सॉरी भाई हम दो राज सोए नहीं है बिल्कुल पर व्लॉग तब भी बना देंगे देखो, वन, टू, थ्री, ये। तो भाई बस यही था ये पैलेस अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं कुछ दिखाते हैं आपको मज़ा आ रहा है बहुत और हमारी ना किस्मत बहुत अच्छी है कि हम कभी कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें मौसम बहुत सही मिलता है मतलब वैसे यहाँ बहुत गर्मी रहती है गर्मी का टाइम आ चुका है पर भाई हमें नहीं मिली गर्मी तू आजा व्लॉग में फिर रही हूँ मत मैं तो दिख भी नहीं रही पर हाँ अरे तो दूध है तो दिख जाती है थोड़ी फिर खानी नहीं है भाई खानी नहीं है बिल्कुल भी गर्मी नहीं है ठीक है बारिश का मौसम था व्लॉग चल रहा है ना ठीक है देखो हमारे साथ ही लोग आ रहे हैं
सबसे सुंदर लड़की यहाँ ओवरऑल मैं ही हूँ, बस मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रखी है, पर हमने बहुत मजे करे। हम लोग पूल में भी गए थे, वो आपको निपुण भैया दिखाएंगे। भाई इनको पहले से बाहर निकल के सबसे बढ़िया चीज मिल गई, मेरी बहुत फेवरेट है। भाई कहाँ है भाई, मेरी कहाँ है? लाओ के लाओ भाई, हाथ में डाल दो भाई, अरे हाथ चम्मच से डाल दो। सब बंदे भाई भेलपुरी खा रहे, अभी एक मिनट ले रहा हूँ, एक मिनट बाद। शकुन है तो काइंड, हाँ सारी गाले की बार में ब्लॉग आ गया तो ले नहीं रही है भाई, मैं उबासी ले रही तो क्या हो गया, नेचुरल चीज ही तो है। उबासी लो तो भाई, मारो हाथ लो भाई। सुनो इस व्लॉग को करते हैं एंड इस पैलेस के साथ। क्यों? हाँ यार भेलपुरी के साथ। तो भाई इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और इसके बाद हम जा रहे हैं मसाला चौक स्ट्रीट फूड खाने। भाई स्ट्रीट फूड का एक अलग व्लॉग बनता है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, थैंक यू।